वाइल्ड फायर। तो गाइस आप लोगों ने मूवियों की बुकिंग तो देखी होगी, बड़ी बड़ी मूवियों की बुकिंग देखी होगी, शॉकिंग देखी होगी, लेकिन जिस तरह से पुष्पा रूल के लिए बुकिंग चल रही है ना, मतलब कि एक घंटे में जो ओनली बुक माई शो से जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप ये बोलने वाले हैं कि पुष्पा सारे रिकॉर्ड को यहां रखता है, और रखता ही नहीं है भाई साहब। जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं ना 1,000 ना 2,000 ना 3,000 ना 1,00,000 ना 2,00,000 ना 5,00,000, इससे भी 3 गुना ज्यादा पुष्पा रूल के टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। वही देवारा मूवी को वीट कर दिया, कल की 2898 एडी को भी वीट कर दिया है। तो गाइस क्या सीन क्रिएट हुआ है मैं सब बता रहा हूं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं भाई साहब पुष्पा रूल ने, इवन मैंने भी आप लोगों को काफी टाइम पहले बोला था कि इस बार रिकॉर्ड नहीं बनेंगे, सारे की सारी हत्याकांड बनने वाले, जो कि अपने को देखने को मिल रहा है। तो भाई अभी कुछ ही देर पहले मैंने ट्विटर पर विजिट किया, ट्विटर पर विजिट करके जब मैंने रेटिंग के लिए रेटिंग कर रहा था तो वहां पर मेरी नजर पड़ी है भाई सब एक घंटे में टिकट कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं, आप लोगों को पता है ओनली जस्ट बुक माई शो से। आप खुद सोचें एक बार, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 6,00,000 7,00,000 8,00,000 10,00,000 बस भाइयों, 1.1 मिलियन प्लस इसके टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए हैं जस्ट एक घंटे के अंदर, यानी कि 11,00,000 प्लस इसके टोटल टिकट सोल्ड आउट हुए हैं बुक माई शो से जस्ट एक घंटे के अंदर। तो पेटीएम भी है, फोन पे भी है, वॉकिंग सिस्टम के थ्रू भी जाते हैं, फिजिकल थिएटर में विजिट करके भी टिकट लेते हैं जिस तरह मैं लेता हूं। तो आप खुद सोचो ये जो एक घंटे में बुकिंग हुई है, और बुकिंग हुई नहीं है भाई साहब, अभी तो और चल रही है और वो डिजिट नीचे नहीं हो रहा, अभी जो करंट डिजिट देखने को मिल रहा है 1.08 मिलियन देखने को मिल रहा है, यानी कि 10,80,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट हुए हैं प्रीवियस के एक घंटे के अंदर। और अब आप खुद सोचो कि किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। और पुष्पा राज ने एक बात बोली ना, हरगिज झुकेगा नहीं साला, तो भाई सब बिल्कुल यहां पर नहीं झुक रहे, क्योंकि 2.5 अक्षर है लेकिन साउंड बहुत बड़ा है। और वही इसका प्रीमियर लगाया गया था, आप लोगों को पता है यूके में और आयरलैंड में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भाई सब पूरा का पूरा बीट करके रख दिया है। तो मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूँ कल की 2898 एडी का कितना था, देवारा मूवी का कितना था। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कल की 2898 एडी के यूके के प्रीमियर की कि कितने यूरो में हुई है, और वहीं लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा पुष्पा रूल की कितनी हुई है। कल की 2898 एडी की देख लेते हैं, 2,46,100 यूरो की हुई थी कल की 2898 एडी की, अगेन बता देता हूं 2,46,100 यूरो की हुई थी कल की 2898 एडी की। देवारा पर मूव करते हैं, 2,25,588 की हुई थी देवारा की, भाई साहब छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं, और रिकॉर्ड नहीं अब महारिकॉर्ड आएगा पुष्पा रूल की हुई है 2,42,855 यूरो की हुई है, 2,82,855 यूरो की हुई है, मतलब आप समझ रहे हैं। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये सारी चीजें भाई साहब ट्विटर पर काफी जगह सर्कुलेट हो रही है, कोई अपने एक्टर को बचाना चाह रहा है, कोई अपने एक्टर को छुपाना चाह रहा है, मतलब कि मैं आप लोगों को बताऊं ना, सही आप लोगों को एक कॉमेडी सर्कस देखना हो ना तो भाई सब ट्विटर पर विजिट कर लिया करो, एक से एक अनमेले मतलब कि अलवेले चूतिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपने एक्टर कॉप मतलब यार छुपते छुपाते करते हुए नजर आते हैं। तो भाई साहब अब गाइज मैं आप लोगों को बताऊं ना, भले कल देखो कल की 2898 एडी का रिकॉर्ड टूटे ना टूटे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन देवारा मूवी का रिकॉर्ड टूट गया है यूके के अंदर जो कि प्रीमियर लगाया था। अब गाइज मैं ये सोच रहा हूं, ये तो अभी मतलब अभी तो मॉर्निंग का शो ही खत्म हुआ है, आफ्टरनून का स्टार्ट हुआ है, अभी तो आफ्टरनून का है,
इवनिंग का है और नाइट का क्या होने वाला उसके बारे में सोचकर डर लग रहा है। अब आप खुद सोचो कि पुष पर आज किस तरह के रिकॉर्ड बना रहे हो और कल जब मॉर्निंग में अपडेटेड एडवांस बुकिंग आएगी डे टू की, वो देखना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे हेटर्स कहाँ छुप के बैठे हुए, कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि वही बोल रहे थे कि पुष्पा मूवी नहीं चलने वाली, अच्छी बुकिंग नहीं होगी, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा, नेगेटिव आने वाले हैं, रिव्यू नेगेटिव आएंगे। भाई सब यहाँ तो सारा का सारा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है पुष्पा दी रूल की शॉकिंग तबाही के बारे में, क्या लगता है कल की 2898 AD एंड देवारा के रिकॉर्ड के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।